सब्जेक्टिव शीट नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। 2, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20, एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो आपने इसको कितनी एनर्जी से फेंका, 20 से फेंका, तो आपने इसको एनर्जी दी कितनी, हाफ एम इंटू 20 का स्क्वायर, राइट। अब क्या चाहते हैं, उसने कितनी हाइट अटेन की एच, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई, इस एनर्जी का हाफ, हाफ, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स ले लें, क्योंकि बॉडी ने जाना तो बहुत ऊपर है, पर इसकी ये पॉइंट ले लेते हैं, एच निकालना है। तो मुझे पता है जब बॉडी यहां से चलेगी तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या है, जीरो, और काइनेटिक एरी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी दो पॉइंट्स पे अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो एनर्जी टोटल सेम रहेगी। तो यहां पे क्या होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी, एम जी एच। तो क्यों ना इसे और इसे इक्वेट कर दें, तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एच की क्या आ जाएगी, वैल्यू। कोई डाउट इसमें, हो गया था ये, राइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बुलेट, नहीं ये अभी नहीं होगा, मैंने करवाया नहीं कॉन्सेप्ट, आज का लेक्चर का कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दें, नेक्स्ट को भी छोड़ दें, और नेक्स्ट को भी छोड़ दें, ये करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छोड़ दें, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ, आज करवाऊंगा, वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डाउट कितनों का हो गया, कर दिया, कैसे किया, एक मिनट, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी कि नहीं लगेगी, अगेंस्ट ग्रेविटी एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, नहीं लगेगी। सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक क्या इन दो पॉइंट्स पे सेम होगी कि नहीं होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लग गई, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू सेम, क्या यहाँ ए और बी पे सेम रहेगी, नहीं रहेगी, तो इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें नहीं लगेगी। कंजर्वेशन का मतलब कॉन्स्टेंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एनर्जी खराब कर देगी, फ्रिक्शन लॉस करेगी, और अगर फ्रिक्शन ना होती क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगती। लास्ट टाइम मैंने जाते हुए बताया था ऐसे इस टाइप का रास्ता है, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर सेम हो सकती है। तो अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हैं, तो आप किन्हीं भी पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी का सम इक्वल ले सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पर भी अगेंस्ट ग्रेविटी तो जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, पर एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, बिकॉज रास्ते में क्या गिवन है, फ्रिक्शन। तो इसमें करने के दो तरीके हैं, मतलब तरीका तो एक ही है, पर लिखने के दो तरीके हैं। पहले आसान तरीका, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं इसमें ऐसे सोचता हूँ कि अगर फ्रिक्शन ना होती, छोड़ दो, तो सम ऑफ यहाँ पे काइनेटिक क्या है बोलो, हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, और पोटेंशियल बोलो क्या है, एम जी इंटू 4। कोई डाउट इसमें, इस पॉइंट पर काइनेटिक क्या है, हाफ एम इंटू 6 का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है, एम जी इंटू 1। अगर फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस ना करती तो यहां पर टोटल और यहां पर टोटल एनर्जी का सम क्या आता है, एग्जैक्टली सेम। कोई डाउट इसमें, सेम आता है, समझ में आ रहा है यहां तक। पर यहां पर क्योंकि रास्ते में कह रहे हैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आपको दे रहा है, कितना डिस्टेंस है, 12 मीटर, ये टोटल 12 मीटर का डिस्टेंस है टोटल ये वाला, तो कह रहा है फिर बताओ फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लगी। अब मुझे ये बताओ कि एनर्जी ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, मतलब इनिशियल ज्यादा है कि फाइनल ज्यादा है, फाइनल ज्यादा है, इनिशियल ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी का क्या हो रहा है, रास्ते में लॉस, फ्रिक्शन लॉस कर रहे हैं, तो ये ज्यादा है और ये कम है। और अगर फ्रिक्शन ना होती, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये और ये एग्जैक्टली सेम होती, पर फ्रिक्शन है तो ये ज्यादा होगी ये कम, तो बोलो लॉस कितना हुआ, या चेंज एनर्जी कितनी हुई, फाइनल कितनी है, हाफ एम इंटू 6 स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 1 माइनस हाफ एम इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 4।
4, तो ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी क्या होगी इसमें, लॉस। कोई डाउट इसमें? अब ये किसने लॉस करवाया, किसने ऐसा काम किया, फ्रिक्शन ने वर्क डन किया जिससे एनर्जी का लॉस हो गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने वर्क डन किया कितने डिस्टेंस तक, 12। कोई कहते हैं सर इसमें तो डिस्प्लेसमेंट होती है, F into S में डिस्प्लेसमेंट है ना, फ्रिक्शन में डिस्टेंस ही लेना होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली फ्रिक्शन के, अब तुम कहोगे सर मैंने एक बक्से को उठाया, मैंने घसीटता हुआ वहां ले गया, फिर वापस ले आया, तो मेरा वर्क डन तो जीरो हो गया। भाई तू फ्रिक्शन के साथ लड़ लड़ के वापस आ रहा है, वर्क डन कैसे जीरो हो गया तेरा? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हर वक्त कोई ना कोई काम करेगी करेगी, फ्रिक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं, फ्रिक्शन में क्या लेते हैं, डिस्टेंस। ये नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए इसका आंसर अभी मैं देने वाला हूं, हम डिस्टेंस क्यों लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसमें पाथ फॉलोड पे फ्रिक्शन का वर्क डन डिपेंड करता है। आप लंबे रास्ते से लेके आओगे, आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, आप छोटे रास्ते से लेके आओगे आपका वर्क डन कम होगा फ्रिक्शन में। क्लियर है? तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, सॉल्व करके ऐसा जाएगा डन। ये सबसे आसान तरीका है, मैं ऐसे सोचता हूँ, टोटल टोटल माइनस करो आंसर, डन। क्लियर है? पर किताब ऐसे नहीं सोचती, ये समझ में आ रहा, आप भी ऐसे सोचना, बट मतलब हो गया, डन हो गया, मेरी तरफ से मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको किताब के तरीके बता सकता हूँ। बुक ऐसे करती है, कर दूँ बैठा दूँ इसे, किताब सोल्यूशन जब लिखती है तो वह ऐसा लिखना पसंद नहीं करती जैसे इतना लंबा सोल्यूशन है, वो ना छोटा लिखती है। कैसे लिखती है देखो, बुक ऐसे लिखती है कि यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एरी, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एरी, ठीक है, और अगर फ्रिक्शन ना होती तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता, क्या होता बोलो, इक्वल होता। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होता, और ऐसा भी होता पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाता, जीरो। दैट इज डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी एंड डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, जीरो। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये तो मैंने लास्ट टाइम करवाया था जाते हुए, इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। किताबी लैंग्वेज ये है, हम तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अब किताबी लैंग्वेज और सुनो, किताब की लैंग्वेज कहती है कि भैया इसमें तुम्हारी एनर्जी तो सेम आने वाली है नहीं, तो कहती है कि इसमें ये बड़ी आने वाली है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 2, और ये जो लॉस होगा दिस इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऐसे होगा ना, ये तो किया आपने, हमने न्यूमेरिकली किया, वो थ्योरी में करेगा, वो इतना दिखाएगा नहीं, वो क्या करेगा, इसमें से इसे माइनस करेगा, क्या बोलेगा, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से इसे माइनस करेगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, जीरो नहीं, इस बार वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो आपका न्यूमेरिकल यहां से स्टार्ट करेगा, फिर आप कहोगे यार फ्रिक्स तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या डेल्टा डेल्टा करता रहता है बैठ के, वो भी क्या करे, उसने किताब बेचनी है सॉल्यूशन, उसको किताब मोटी बनानी नहीं है, किताब उसको पतली बनानी है, वो कहता बच्चा अपने आप देखे क्या करेगा, और टीचर भी देखेगा, पूछता रहेगा सॉल्यूशन। बट समझ में आ रहा है आप क्या होने के वाले आपके साथ? तो जब भी आप ऐसी लैंग्वेज देखो अपने मन में, इसको ओपन कर लिया करो, ऐसे चेंज चेंज आंसर आ जाएगा। हालांकि मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए शीट में या ऑब्जेक्टिव में, मैंने एक में भी ये यूज ही नहीं किया, मेरे को तो यही पसंद है, ये ले लो ये ले लो, एनर्जी कंजर्वेशन है बराबर कर दो, नहीं है तो बड़े में छोटा माइनस कर दो, बात ही खत्म करो, हिसाब सिंपल रखो, ठीक है यहाँ तक? तो मैं ये पसंद नहीं करता, लेकिन बताता इसलिए हूँ ताकि आपको किताबी लैंग्वेज समझ में आ जाए, पर आपको ये भी समझ में आ जाए कि वो किताब की लैंग्वेज जरूरी नहीं कि उससे ही फिजिक्स आएगी, फिजिक्स ऐसे भी आ सकती है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ के बाद बस ठीक है।